रामरी और रोत गीत। पहले उंगली माथे पर रखो, सींचती नहीं उंगली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद होगा। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और ये जो स्ट्रेस हार्मोन्स है ना, प्रोलैक्टिन, कॉर्टिसोल, एसिटी, ये कम हो जाते हैं। बीटा एंडोर्फिन, इंडोर्फिन, अच्छे हार्मोन्स बढ़ते हैं प्राणायाम ध्यान से। भ्रामरी के बाद उद्गीत, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा या वायु मुद्रा आदि किसी एक मुद्रा विशेष में, और लंबे गहरे श्वास भर के पावन ओंकार का उच्चारण। ऐसा अभ्यास होना चाहिए शरीर के स्तर पर, योगी का मन के स्तर पर, योगी का भाव के, विचारों के, संवेदनाओं के, कर्मों के, आचरण के स्तर पर योगी का ऐसा अभ्यास होना चाहिए। वो स्वयं को तुरंत नियंत्रित कर सके, इसको बोला जाता है आत्मनियंत्रण, आत्मप्रेरणा, आत्म उत्साह, आत्मस्पर्धा, आत्मोपचार, आत्म साक्षात्कार, आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण, आत्म परिष्कार, आत्मवित होने का, आत्म साक्षात्कार का, ब्रह्म साक्षात्कार का एकमात्र साधन है योग। योग करते करते ऐसा सामर्थ्य हम में विकसित हो जाता है कि हम अपने शरीर पर, इंद्रियों पर, मन पर, विचारों पर, भावों पर, संवेदनाओं पर, अपने पूरे अस्तित्व पर, अपने पूरे व्यक्तित्व पर नियंत्रण पा लेते हैं।